स्वागत है आपका फिर से एक वीडियो में एक दूसरे टॉपिक के साथ। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कानपुर का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर जेके टेंपल। हाँ, मैं जेके टेंपल में आ चुका हूँ और व्यू आपको मैं अभी दिखाऊंगा, शेयर करूँगा। ये देखिए सनलाइट आ रही है, मैं आपको दिखाता हूँ व्यू। आ चुके हैं अंदर, ये देखिए नज़दीक आ चुके हैं हम लोग काफ़ी, अब कुछ साफ दिखाई दे रहा है। जेके टेंपल यहाँ पे बहुत मतलब क्राउड तो बना ही रहता है। अभी हम लोग जल्दी आ गए हैं, ओपनिंग टाइम है इसका 4 बजे से। आप लोग देखिए चारों तरफ प्लांट्स वगैरह भी इसमें प्रॉपर लगाए गए हैं और प्रॉपर मेंटेन है, मेंटेनेंस मिल रहा है। अब जेके टेंपल है, जेके ग्रुप ही का है, तो मेंटेनेंस होना तो स्वाभाविक है। और श्री कृष्ण का मंदिर है, ये बहुत ही पॉपुलर मंदिर है। हम लोग चलते हैं आगे। अभी ये बैक साइड का व्यू है, आपको हम दिखाते हैं फ्रंट साइड से। फ्रंट साइड से तो ये और भी सुंदर लगता है, तो चलो जल्दी से चलते हैं हम लोग फ्रंट साइड। बहुत अच्छी बात लिखी है, ये मंदिर है, पब या लॉन्ज नहीं है। तो अमर्यादित हरकत तो ना ही करें, उससे आपका नुकसान भी हो सकता है। पकड़े जाने में सज़ा बहुत ज़्यादा है, और इस बात का ध्यान रखें कि ये एक पावन भूमि है, तो यहाँ पे बदतमीजियाँ नहीं है। लेकिन क्या बोलें, ऐसे लोग यहाँ पे मिल जाते हैं। अभी मैंने अभी सूट नहीं कर पाया, यहाँ पे कुछ लोगों को हटाया गया है जो यहाँ पे इस जगह पे बैठे हुए थे यहाँ पे पेड़ के पास। और क्या ही कहा जा सकता है ऐसे लोगों को। चलिए हम लोग चलते हैं अपनी ओर। जिनका सेवा भाव होता है वो लोग यहाँ पे जूते चप्पल उतार के रखने का काम करते हैं, जो कि किसी भी ट्रस्ट से हो सकते हैं। और बहुत अच्छी सर्विस है यहाँ पे, बहुत अच्छी सर्विस है, फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप लोग सामने देख पाए तो यहाँ पे रिनोवेशन का काम शुरू हो चुका है, संगमरमर पत्थर की घिसाई चल रही है इस मंदिर में, और चांद चांद लगाने के लिए ये काम शुरू हो चुका है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत वहाँ पे बना रहे हैं, क्या बन रहा है वो तो बाद में बन के पता चलेगा, लेकिन आप लोग देखिए। और ये रहा हमारे सामने का एरियल व्यू, ये फ्रंट से। अभी धूप आ रही है इसलिए आपको साफ नज़र नहीं आएगा, लेकिन ये फ्रंट लुक है। ये इसका ऑडिटोरियम है, इतना काफ़ी जगह है। मुझे नया देखने को ये मिला, मैं तो आता रहता हूँ, मैं सबसे पहले जब 10 साल का था तब इधर आया था उसमें, और अभी मैं ये जो यहाँ पे पुष्प वगैरह मिलने लगे हैं, प्रसाद और पुष्प, ये यहाँ पे नया है। अभी मैं पिछली बार जब आया था तब ये चीज़ यहाँ पे नहीं थी, अब प्रसाद और पुष्प मिलने लगा है, तो बार अच्छा है। इन श्रद्धालुओं को पुष्प और प्रसाद अर्पण करना होगा तो वो यहाँ से ले सकते हैं। और जो उस साइड है वहाँ पे तो हाथ पैर धुले जाते हैं, आप लोग को पता ही है। और बाकी ये रहा, अगर अंदर फ़ोटो शूट या वीडियो शूट में कोई मनाई नहीं हुई तो हम लोग अंदर का भी एक व्यू लेंगे, लेकिन अच्छा नहीं लगता हम लोगों को भगवान के दर पे आएँ और हम उस तरीके से मोबाइल में उनको कैद करें। तो मैं इस चीज़ का ये नहीं चाहता कि मैं उनको कैद करूँ अपने मोबाइल फ़ोन पिक्चर्स वीडियो व्लॉग के अंदर,
तो मैं यही चाहूंगा कि मैं आपको जितना हो सके यही बाहरी से दिखा पाऊँ, अंदर से मैं ना दिखाऊंगा, खुद नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि भगवान के दर पे आना और वहाँ पे भक्ति न लगा के ये सब कुछ करना शोभा नहीं देता है। तो हमने उतार दिए और अब हम लोग अंदर चलते हैं। उससे पहले हम यहाँ पे अपने पैर धुल लेते हैं। यहाँ पे भी पूरा रेनोवेशन का काम चल रहा है, घिसाई हुई है। तो को एक चक्कर लगवा देते हैं पूरे इसके जो भी कैंपस है इसका, इतना ही मंदिर परिसर है। तो चलिए शुरू करते हैं, शुरुआत यहाँ से होगी। तो चलिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जेके क्या क्या करता है। मैं दिखाने का करता हूँ ट्राई। ये जेके ग्रुप है। जेके सिर्फ सीमेंट नहीं बेचता, जेके सिर्फ पुट्टी नहीं बेचता, जेके ये सब कुछ करता है। बड़े बड़े ब्रांड रेमंड्स जैसे ब्रांड ही जेके के हैं, आप लोग देखिए खुद। जेके सिर्फ टायर नहीं बनाता, जेके सिर्फ पुट्टी पेंट या जेके सिर्फ मतलब जेके लिमिटेड नहीं है, जेके बहुत है। टेक में भी जेके, मैन्युफैक्चरिंग में जेके, मैकेनिकल में जेके, केमिकल में जेके, मतलब जेके ने अपना नाम हर जगह इस्तेमाल कर रखा है, हर जगह अपने झंडे गाड़ रखे हैं। तभी तो जेके मंदिर इतना मेंटेन रहता है, किसी के अधीन नहीं है ये। जेके ग्रुप ऑफ इसको खुद देखते हैं जेके वाले। अगर ये कानपुर की किसी नगर निगम या किसी के अंडर में होता तो यहाँ पे आज पॉलीथीन डली होती, आप लोग को एक भी पॉलीथीन, एक भी कचड़ा अभी तक देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत साफ़ सुथरा, बहुत साफ़ सुथरा, बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा। और लोग भी थोड़ा ध्यान लेते हैं, लेकिन कुछ बदतमीज आ जाते हैं, अभी पीछे भी आए थे तो फेंक देंगे किसी तरीके से, लेकिन यहाँ पे कचड़ा तो नहीं है क्योंकि नगर निगम के अंदर नहीं है। चलिए हम लोग आपको और आगे ले चलते हैं। होता है हर जगह कहीं ना कहीं से आप दिख ही जाते हैं, आपत्तियाँ तो हर जगह पहुँची जाती हैं, अपवाद हर जगह होते हैं। तो यहाँ पे भी अपवाद देखने को मिल गए हैं, जो कि मंदिर परिसर में अपवाद फैला रहे हैं। ये अपवाद अपने मन से हट जाएंगे जब वहाँ से SSB या CISF वाले दौड़े चले आएंगे। और पूरा अगर कोई डाउट में हो या अज्ञानता में हो तो अज्ञानी ना बने। जो पूरा कैंपस है ये कुछ बीघों में है, मैं अब पूरा अनुमानित नहीं हूँ कितने बीघों में है, देख के लगता है कि 5 बीघे से ऊपर है। लेकिन अब आपको मैं बताऊं कि पूरा कैंपस कम से कम, हाँ अनुमानित हूँ, कम से कम 10, अनुमानित हूँ मैं कि 10 बीघे में होगा, 5 बीघे में, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं इसलिए मैं अनुमान लगा नहीं पा रहा हूँ सटीक। लेकिन इन लोगों को दूर करने के लिए जेके ने दूसरी व्यवस्था कर रखी है जिसका नाम है बाबा। ये ऊपर लगे हैं, CCTV इनको कहते हैं, चारों तरफ इनकी नज़र रहती है, इनमें स्पीकर में लगे हुए हैं और सेंसर्स भी हैं, सब देखते समझते और सुनते हैं ये। अब ये बाबा जब संकेत दे देंगे तो वहाँ से 2 लठधारी चले आएंगे लठ लेके, और यहाँ पे लठ भी बरस सकती है। तो कृपया करके यहाँ पे जोड़ा हंस हंसी का बना के ना बैठें। गाना बहुत अच्छा आज जो है बज रहा है, माहौल बहुत शांत है। अब आपको क्या बताऊँ, फ़ोटो शूट भी यहाँ बहुत चल रहा है, भैया लोग सारे लोग फ़ोटो शूट कर रहे हैं, लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, बड़े बुजुर्ग भी आते हैं इधर पे। और अब लोग देखिए भक्तगण आना जाना शुरू कर दिए हैं। जो ये ऊपर का एरिया है यहाँ पे पहले आना मना रहता था, लेकिन अब यहाँ पे भी खोल दिया गया है। जो लोग पहले आए होंगे उनको पता होगा कि ऊपर के एरिया में, इस साइड वाले एरिया में, इस साइड जहाँ ये लोग दो भैया लोग खड़े हैं, इधर आना वर्जित रहता था, लेकिन अब ये भी ओपन हो गया है। तो चलो चलते हैं हम लोग भी दर्शन करके आते हुए। Thank you.
फाउंटेन अभी चालू नहीं हुआ है, ये शाम के वक्त चालू होता है। बाकी दृश्य बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, मतलब सॉफ्ट म्यूजिक चल रहा है, बैठ के आनंद लेने लायक है, बढ़िया हवा चल रही है ठंडी ठंडी। मैं आपको इसका पीछे का व्यू दिखाने का प्रयत्न करता हूँ, अगर मना नहीं किया गया तो मैं आपको वहाँ का भी व्यू दिखाऊंगा। चलिए चलते हैं। अंकल ने बताया कि पीछे जाना मना है, यहीं तक ही पब्लिक को अलाउड है ना, तो हम लोग पीछे ना जाके मंदिर के अंदर चलते हैं, दर्शन करते हैं और दर्शन करके इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर अंदर के दर्शन हो पाएंगे तो मैं आपको दर्शन ज़रूर कराऊंगा, अगर दर्शन नहीं हो पाएंगे तो आपको एक फ़ोटोग्राफ ज़रूर दिखाऊंगा। चलिए चलते हैं हम लोग मंदिर परिसर के अंदर। प्रसाद मिला हुआ है अंदर, हम लोग वीडियो तो नहीं शूट कर पाए, शूट करने भी मना है और इच्छा भी नहीं कर रही थी। अंदर इतना सुंदर दृश्य है कि आप देखने बैठ जाइए तो आपका दिन पार हो सकता है। यहाँ पे लोग बैठे हैं अंदर, दो दो घंटे से बैठना शुरू हो जाते हैं, अभी बैठ जाएंगे रात तक ही उठेंगे, शांतिपूर्वक मतलब चेहरे को निहार रहे हैं। इतनी सुंदरता है, इतना अच्छा शांत माहौल है अंदर, इतनी पॉजिटिव एनर्जी है कि आपका मन ही नहीं करेगा यहाँ से जाने के लिए। लेकिन हम लोग अब चलते हैं क्योंकि हम लोग को कहीं और भी जाना है, वक्त नहीं है इतना ज़्यादा, तो चलिए आगे चलते हैं और बाकी बात आपसे नीचे उतर के करते हैं। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, ऐसे वीडियो मैं डालता रहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और उस बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आपको नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे। चलो चलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक में किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।